केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल सुलेमसराय स्थित उमेश पाल के घर पहुंचे। उमेश पाल के मां शांति देवी और उनकी पत्नी जया से करीब एक घंटे तक वार्ता की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हत्यारों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस की तरफ से उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले यदि जमीन के अंदर भी छिपे होंगे तो हमारी पुलिस उन्हें जमीन के अंदर से खोदकर बाहर निकाल लेगी। पुलिस को विशेष बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने दो दिन के अंदर ही घटना में शामिल एक अभियुक्त को मार गिराया। मैं इलाहाबाद पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार समाज के होने के नाते कि उन्होंने दो तीन दिन के अंदर मौके के अभियुक्त को जो है पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी बघेल ने कहा कि दो दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनका कहने का जो आशय था उसे प्रयागराज की पुलिस अच्छे से समझ भी रही है। हर कोई चाहता है कि इस घटना में त्वरित कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी का ऑफिस में क्या कहते हैं वो दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व है उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हो और जो सुसंगत धाराएं हैं ट्रायल के बाद वो लोग सजा पाएं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में भी सारे सबूतों को। एसपी बघेल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को फास्ट ट्रैक में लाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने बीते दिनों पेश किए बजट का हवाला देते हुए कहा कि 7,000 करोड़ रुपए का बजट ई कोर्ट और फास्ट ट्रैक के लिए दिया गया, इससे न्याय में शीघ्रता होगी। जुडिशरी तय करेगी, वादी निश्चित तौर से आवेदन करेंगे कि उनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए और अपने यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र निष्पक्ष है, वो उनको निर्णय लेना चाहिए। गत दिनों जो बजट हुआ है छोटा मोटा नहीं, 7,000 करोड़ रुपए हमारे विभाग ने ई कोर्ट्स के लिए, ई कोर्ट मिशन के लिए, वर्चुअल कोर्ट के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, ई फाइलिंग के लिए, इसके लिए प्रदान किए हैं। क्योंकि आज जैसे ये तफ्तीश होगी, मान लो ये कोई सब आज मुकदमा कायम हुआ, 3 साल बाद आता है कॉम्बिनेंस पे, तब तक आईओ का ट्रांसफ़र हो जाता है, डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो जाता है, सिपाहियों के हो जाते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी 3 साल की है, रेंज की 8 साल की है। लेकिन अब वर्चुअल के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर कोई आईओ इस समय गोरखपुर में है तो उसको आना नहीं होगा और वो अपनी गवाही वर्चुअल पे दे सकती हैं। इसलिए अब पेंडेंसी को हम लोग कम करेंगे क्योंकि अब ई कोर्ट्स, ई फाइलिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और खास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो सुनवाई होगी। एसपी बघेल ने कहा कि जिस तरह से गोलियां चलाई गई और बम फेंके गए इससे पता चलता है कि यह सब पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। ये एक लाइव मर्डर है, ये कोई राजनीतिक विद्वेष से कराई गई एफआईआर नहीं है जिसमें एक कपोल कल्पना एफआईआर हो। इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये एक लाइव मर्डर है और मुलजिम दिख रहे हैं, बम फेंकते हुए दिख रहे हैं, कार से आते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, दो गनर को भी उन्होंने इंजर्ड किया जिसमें एक बहुत ज़्यादा एक की डेथ हो गई है। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि वो शहीद हुए हैं। और दूसरा गनर जो है वो पीजीआई में जो है बहुत सीरियस है। तो ये गंभीर केस है और ये ऐसे केस जो होते हैं वो सबूतों के आधार पर सजा पाते हैं। ये चूँकि वो गवाह थे तो ऐसी कोई वो अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है क्योंकि वो गवाह थे और जो अपराधी हैं और उनके पिताजी वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है। और अतीक अहमद का लड़के का मौके पर आना, अब तो आप फुटेज में देख ही रहे होंगे, वो सारा पहचान में आ रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग कितने इनके हौसले बुलंद थे। लेकिन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर के युग का स्वर्ण युग है। घटना हुई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेरी निजी छत है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस घर में कम से कम 25 बार आया हूँ जी, और लेकिन सख्त कार्रवाई होगी।